आओ गांव चले आपनो राजस्थान आपनी सरकार। न्यूज 19 पहुंचा आपके द्वार, अब होगा सच का सामना। किसकी होगी ताजपोशी, अब कौन बनेगा जिला प्रमुख? जिला परिषद चुनाव में जनता का है जोश, अब घर घर है जिला परिषद चुनाव का जोश। जहां पर दौसा जिले के सिकंदरा में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय में पूजा सैनी मैदान के अंदर उतरती हुई नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिकंदरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 3 से पूजा सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी है। प्रत्याशी पूजा सैनी ने हमसे खास बातचीत के अंदर बताया कि उनका परिवार शुरू से कांग्रेस पार्टी के दामन थामे हुए था, लेकिन पंचायती चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने से उन्होंने मजबूरन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उनका कहना है कि अगर वे चुनाव जीती तो कांग्रेस पार्टी में जाना पसंद करेंगी, वह जनता के वादों पर खरा भी उतरेंगी। ग्राम पंचायत सदस्य के जो चुनाव अभी सरगर्मी तेजी पर है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय जो दावेदारी जो ठोकी है पूजा सैनी ने, जो हमारे सामने अभी मौजूद है, और उनका कहना है कि हमारा यानी शुरू से बचपन वगैरह पूरा परिवार सारा सब कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देते हुए यानी किसी अन्य व्यक्ति को ये टिकट दिया, तो पूजा सैनी का यानी मजबूरन ये चुनाव लड़ना जरूरी था, क्योंकि जनता का जो प्यार प्रेम जो सम्मान था पूजा सैनी की ओर, तो उसको बरकरार रखने के लिए पूजा सैनी मैदान में निर्दलीय होती। पूजा जी स्वागत है आपका न्यूज 19 में। और दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने यानी जो निर्दलीय लड़ने का जो ताल ठोकी है जो चुनाव में, यानी जो निर्दलीय उतरे हैं आप, किस वजह से कैसे सोच समझ के उतरे कि जनता आपको जिताई देगी? हमें जनता स्कूलें में देगी, वो हमें गांव के विकास के लिए और हमें सहयोग देगी जिताने के लिए। यदि हम नहीं भी जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम कमजोर होकर आगे कर सकते हैं। अगर आपको जनता जिताकर अगर सीट पर बिठाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे या निर्दलीय ही रहेंगे या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जैसे बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो आपने देखा कि आज भी पूजा सैनी की यानी जो नजर में है, जो अनमें जो मन में जो विचार है, वो आज भी है कि निर्दलीय में चुनाव लड़ूंगी, अगर चुनाव जीत भी जाती हूँ तो भी कांग्रेस पार्टी में जाऊंगी। लेकिन पूजा जी एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा बड़ा वादा किया था कि किसानों का बिजली बिल माफ किया जाएगा, लेकिन वो बिजली माफ अभी तक बिल हुआ नहीं। आखिरकार अगर जनता आपको चुनती है तो क्या आप ये जनता की तरफ से अपील करेंगे गहलोत सरकार से? गहलोत सरकार से अपील करेंगे ना, जनता का जो भी किसानों के लिए जो प्रति हुआ उनका कुछ न कुछ उनको लाभ हो जाए, उनका जो भी किसी भी चीज में उनको यदि नुकसान हो रहा है उससे तो लाभ हो जाने के लिए हम सरकार से आगे अपील करेंगे। अभी कांग्रेस सरकार पूजा जी आपने देखा कि दो धड़े में बटी हुई है, जब से यानी कांग्रेस सरकार आई है राजस्थान में तो वो दो धड़े में बटी है, ना तो यानी खाऊंगी ना खाने दूंगी, जैसे दो गुट है सचिन पायलट का गुट अलग और गहलोत सरकार का अलग है, दोनों ही अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए। आखिरकार अगर जनता आपको जिताती तो आप क्या जनता को यानी खड़े होंगे तो उतरेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो लोग है वही खड़े नहीं उतर रहे। हम जनता की समस्याओं को लेकर तो जाएंगे, यदि हल होएंगी तो है ही, नहीं होंगे तभी हम आगे कोशिश करते रहेंगे। तो आपने सुना कि ये जज्बा है, सोच है, विचार है कि हम आगे जाएंगे सरकार तक, यानी जनता की आवाज़ पहुंचाएंगे, अगर सरकार मानेगी नहीं मानेगी तो आंदोलन तक करना पड़ेगा, क्योंकि निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद कांग्रेस सरकार में जाने का पूरे पूरे वादा करे तो कांग्रेस सरकार को इनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। सहयोगी लेखराज के साथ करतार सिंह, न्यूज 19।